दिया था, जबकि बाकी बची 3 सीटों पर शुक्रवार को नामांकन दाखिल किए। तीनों विधानसभा सीटों पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने सभाओं को संबोधित किया। रिपोर्ट देखिए। सात सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन, प्रत्याशियों ने पर्चा भरा और स्वाभाविक तौर पर अपनी अपनी जीत की हुंकार भरी। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। शुक्रवार विधानसभा उपचुनाव के नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन था। दौसा में नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा ने पर्चा भरा। दीनदयाल उर्फ डीसी बैरवा अपने प्रस्तावकों और कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और पर्चा भरा। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस की नीतियों को लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे और बीजेपी सरकार के 10 महीने के कार्यकाल की नाकामियों को गिनवाएंगे। विचारधाराओं के हिसाब से अपने अपने मुद्दे लेकर जाएंगे। हम कांग्रेस के आदमी हैं, कांग्रेस ने हमको यहाँ मौका दिया है। कांग्रेस की जो हमारी सरकार की जो योजनाएं थी, इन्होंने जो उनको बंद कर दी, कईयों को इन्होंने ठंडे बिस्तर में डाल दी। वो सारी योजना, जनहित की योजना, किसानों की योजना, युवाओं की योजनाएं थी, उन लोगों ने उसको वो कर दी है और उन चीज़ों को लेकर हम वहाँ जाएंगे। खींवसर से बीजेपी प्रत्याशी रेवंत राम डांगा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी सरकार के 3 मंत्री समेत कई नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद बीजेपी नेताओं ने जीत का दावा किया। इस दौरान ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल पर जमकर निशाना साधा। जो पिछले 20 साल से जो विकास अवरुद्ध है, विकास को गति मिलेगी। सरकार के साथ खिमसर की जनता प्रतिनिधि चुन के भेजेगी और सरकार के साथ हमारी खिमसर की भागीदारी होगी। खिमसर का हमेशा ही चुनाव रोचक होता है। इस बार त्रिकोणीय संघर्ष होगा और ये पहली बार है जब काफी लंबे समय से हमारे सामने वाले कैंडिडेट को कोई गठबंधन करने के लिए साथ में पार्टी नहीं मिली। और उसका शायद कारण ये है कि उन्होंने हर बार अपना जो साथ में पार्टनर बनाया उसका विश्वास तोड़ा है। आम जनता में रेवंत राम जी के प्रति सहानुभूति है। बहुत कम वोटों से पिछली बारी जीत हुआ है, उनकी हार हुई। इस बारी सत्ता उनके साथ में, पिछली बारी सत्ता हमारे साथ नहीं थी। खींवसर में आरएलपी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने के बाद कनिका बेनीवाल ने कहा कि उनका परिवार लगातार जनता के बीच रहा है, इसीलिए चुनावी समर में किसी किस्म की कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन फिर भी आरएलपी परिवार इतना बड़ा है और खींवसर की जनता हमारे साथ है, इसलिए हमें किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं। आरएलपी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल के नामांकन के दौरान हनुमान बेनीवाल के भाई और पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल भी मौजूद रहे। डूंगरपुर की 84 सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार महेश रौत ने पार्टी नेताओं के साथ सीमलवाड़ा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर कांग्रेस उम्मीदवार महेश ने बीजेपी और बीएपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की जीत का दावा किया। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जातिगत जनगणना हो या फिर कांग्रेस आजादी से और उससे पहले से देश के विकास के लिए काम करती आ रही है, बाकी जो दूसरी पार्टियां है धर्म के नाम की, जाति के नाम की राजनीति करती आ रही है, उनको उनके लिए मैं लड़ूंगा, विकास के मुद्दों पे लड़ूंगा। टोंक की देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी कस्तूर चंद मीणा ने पर्चा भरा। सलूमर में कांग्रेस प्रत्याशी रेशमा मीणा ने उपखंड अधिकारी पर्वत सिंह के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। ये मुद्दे तो हमारे जनता के मुद्दे हैं, तो जनता जैसे उनकी आवश्यकता होगी, जैसे बड़े बड़े काम जो हमारे कांग्रेस सरकार ने कर रखे हैं, पर उसको आगे बढ़ाना, उनका विकसित करना और लार्ज स्केल पे ले जाना। 4 सीटों झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली, उनियारा पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है, जबकि 3 सीटों खींवसर, सलूमबर और 84 पर त्रिकोणिया मुकाबले से जंग दिलचस्प बनी हुई है। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्र का परीक्षण किया जाएगा। 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद मैदान में रहे प्रत्याशियों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान।